संगठन के तमाम यहाँ साथी अपनी मांगों को लेकर इकट्ठे हुए हैं। मैं हेडवा की तरफ से आप सबका धन्यवाद करते और समर्थन करते हुए ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने शिक्षा का जो बाजारीकरण करके रखा है उसके खिलाफ हम लोग लगातार लड़ाई लड़ेंगे और जीत के रहेंगे। ये मोदी की सरकार को यहाँ बताने के लिए इकट्ठा हुए हैं साथियों। आपके बीच में मैं ज्यादा नहीं कहते हुए ये कहना चाहती हूँ कि हेडवा की 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं संगठन के साथ जुड़ी है पूरे देश के अंदर और तमाम मुद्दों पर, चाहे आपका बीएचयू के अंदर छात्रों के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट का मुद्दा हो, चाहे दौलत राम कॉलेज का हो, चाहे आज जेएनयू के अंदर अतुल जौहरी ने जिस तरीके से लड़कियों के साथ, 8 लड़कियों के साथ जो यौन हिंसा की शिकायतें आई, हमने लगातार वहां पर बसंत कुंज के थाने पर प्रदर्शन किया और उनको झुकाना पड़ा, उसको आधे घंटे के अंदर गिरफ्तार होना पड़ा। साथियों, मैं इसके साथ साथ ये कहना चाहती हूँ कि आज जो मोदी व तमाम साथियों ने कहा है कि टाटा, बिरला, अंबानी और नीरव मोदी को करोड़ों और करोड़ों रुपए खाने के लिए छूट दे रहे हैं, लेकिन हमारी जो शिक्षा है वो शिक्षा को आज के जो सरकारी उसमें आना चाहिए उसको वो बना कर रहे हैं। इसके लिए हमें आंदोलन खड़ा करना है और आज हम पार्लियामेंट में जो हमारे एमपी कहकर गए हैं कि पार्लियामेंट में ये मत मुद्दा उठाओ, अरे भाई सरकार जब बनाते समय जब तो बड़े तुम अच्छी अच्छी बात कर रहे थे कि आज अच्छे दिन आने वाले हैं, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, प्रधानमंत्री बना, अच्छे दिन उन लोगों के आए, हमारे तो और भी बुरे दिन आए हैं। जो शिक्षा, जो बहुत जरूरी चीजें हैं वो हमारी खतरे में है, क्योंकि हम लोग जाते हैं इलाकों के अंदर महिलाओं के बीच में, आज महिलाओं का ये कहना है कि कोई मैं घरों में काम करती हूँ, झाड़ू पोछा का काम करती हूँ, या माल बनाने का काम करती हूँ, या फैक्ट्री में काम करती हूँ, बच्चों की शिक्षा के लिए काम करती हूँ, और उनका ये कहना है कि जो मोदी की सरकार ने हम गरीबों के बच्चों की शिक्षा पर लात मारने का काम किया है ये हम भी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथियों, में दोबारा से आपको ये कहते हुए कि एडवा आपके कंधे से कंधे मिलाकर इस संघर्ष में शामिल है। धन्यवाद सर।